रेवाड़ी की नाई वाली चौक स्थित नई सब्जी मंडी की सफाई व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई है। सब्जी मंडी में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण मंडी के व्यापारियों और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के आड़तियों की माने तो पिछले 10-15 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी यहां झाड़ू लगाने के लिए नहीं आ रहा। मंडी के व्यापारी ही अपने स्तर पर झाड़ू लगाकर कूड़ा यहां डाल देते हैं। कई दिनों से कूड़ा उठान नहीं होने के कारण यहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। प्लास्टिक की पन्नियां और कूड़ा कचरा जमा रहता है। गर्मी में कूड़े से उठती दुर्गंध के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंदगी के कारण मक्खी, मच्छर और बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। आड़तियों का कहना है कि जब से नाई वाली सब्जी मंडी बिठवाना मंडी में शिफ्ट हुई है, तभी से इस मंडी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब ये मंडी लावारिस मंडी बनकर रह गई है। फिलहाल लोगों ने यहाँ से जल्द सफाई करवाने और कूड़ा उठाने की मांग की है। वहीं इस बारे में जब हमने मार्केट कमेटी की सहायक सचिव सुनीता पुनिया से बात की तो उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को सफाई का ठेका पूरा हो चुका है। अब नया टेंडर छोड़ा जाएगा, इसको लेकर एसडीएम ऑफिस से अनुमति ली जाएगी। नया ठेका 2 मई से छोड़ा जाएगा, तब तक मार्केट कमेटी की ओर से अपने स्तर पर वहाँ ट्रैक्टर लगाकर कूड़ा उठा लिया जाएगा और सफाई कर्मचारी लगाकर सफाई भी करवा दी जाएगी। नया टेंडर होने के बाद सभी मंडियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। आपको बता दें कि 2 साल पहले कोरोना काल में प्रशासन की ओर से भीड़ भाड़ को देखते हुए नाई वाली सब्जी मंडी को बिठवाना मंडी में शिफ्ट कर दिया था, तभी से इस मंडी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। सर, हमारा टेंडर खत्म हो चुका है, 16 अप्रैल को खत्म हो गया था और अब नए टेंडर की ओपनिंग होनी है 2 मई को। तो अब उसके बीच में हमने लेबर लगा रखी है अपनी, जैसे हमें अवेलेबल होती है, 4-5 जितने मिलते हैं हमें, उस हिसाब से हम सफाई करवा रहे हैं। यहाँ मंडी की, नई सब्जी मंडी की भी करवाएंगे, नाई वाली भी करवाएंगे, यहाँ भी करवा रहे हैं और बिठवाना मंडी में भी करवा रहे हैं। तीनों जगह हम सफाई करवा रहे हैं। सर, 15 अप्रैल तक ही था हमारे, जो हमसे पहले जो अधिकारी थे उनको इस बारे में नॉलेज है, मुझे तो नहीं नॉलेज। आज अभी भेज रहे हैं सर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके वहाँ सफाई पूरी करवा देंगे सर। आज ना बिल्कुल नहीं रहेगी, कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं। बात ऐसी जी, कई दिन होने, कम से कम 10 रोज होने, यहाँ कोई सफाई वाले नहीं आ रहे। दुनिया भर की पन्नी है, हवा चलती है, दुकानों में घुस जाती है। आके देखो, मौका बहुत ज़्यादा, कूड़े का ढेर लगे हुए, ना कोई पूछता है, ना कोई कार्रवाई करता है। आए दिन ऐसे किसी का 10 दिन होंगे, झाड़ू उठाने भी नहीं है, झाड़ू ये खुद ही लोग बाग भर भर करें, पूरे डाल ला के पूरे कोई ना आ रही है। क्या समस्या थी? ना तो कोई सफाई, ना कोई पूछता, ना कोई आता, ना कोई जाता, ना हम की मंडी है, ना कोई अधिकारी, हमने के प्रति कौन अधिकारी थी? तो सचिव आ जाए तो बिना बदलवा के सचिव आए, बढ़िया सचिव था वो, तो उन्हें बदल दिया, छोटे दिन करवाया करते, इसको यहाँ और नहीं जाओ, मेरे मेरी याद उठा जाए वो पंच पता नहीं जब कौन तो ये यहाँ पर गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, कभी आती नहीं है। अच्छे कर्मचारी तो कल करेंगे, परसों करेंगे, आप देख रहे हैं हालात जो है, किसी भी प्रकार की कोई देख रेख नहीं होती। गाय वगैरह हमारे रहती है, पशु मारते रहते, लोग गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, ये समस्या काफ़ी दिनों से ही, जब से मंडी गई जब से समस्या किसी प्रकार की हो रही, आप देख सकते हैं सारे हालात क्या है। कोई नहीं आता, देखा भी आते महीने दो महीने बाद कर जाते, ये आपके सामने देख सके आप, गंदगी वगैरह जो पड़ी हुई। हमारी एक डिमांड है, साफ सफाई से स्वच्छ करें तो किसी प्रकार की झाड़ू देख लीजिए, आपके सामने गंदगी पड़ी हुई है, कागजों में झाड़ू निकल रही, सफाई कहाँ हो रहा है, ये भी आदमी को दिखा सकते हैं। तो फैलते मच्छी मच्छी मच्छर फैलते हैं यहाँ पर, और आने जाने वाले लोग भी किराया करते हैं मंडी में, उनको भी परेशानी होती है। समझ लीजिए, साफ सफाई हो तो 4 आदमी बैठ नहीं सकते गर्मी के मौसम में। खबर नामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट।